कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी हैव अ प्लेन जिसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होंगे और एक वर्टिकल एक्सिस होंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं उसको हम कहेंगे रियल एक्सिस, और जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस हैं उसको हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस, और सिंपली हम उसको एक्स और वाई एक्सिस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर एज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इट विल बी रिटन एज एक्स प्लस आयोटा वाई। सो इस तरह की जो डायग्राम है वो आपको प्रेजेंट करेगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसा कि इन डायग्राम 3 प्लस 2 आयोटा आपको शो किया गया है, वेयर एज यू हैव 3 यूनिट्स ऑन रियल एक्सिस एंड यू हैव 2 यूनिट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो यहां पे जो नंबर होगा दैट विल बी 3 प्लस 2 आयोटा, और इस होल डायग्राम को जो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ग्राफिकली शो करे उसको हम कहते हैं आर्गेंड डायग्राम। हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव एक्स एंड वाई एक्सिस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड एज अ ब्लैक डॉट ऑन द स्क्रीन। हियर वी हैव एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज एक्स एंड दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज वाई। और यहां से आपको एक चीज रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम। सो एम इज अ 90 डिग्री एंगल्स बिकॉज इट इज बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ दिस इज एन एंगल थीटा दैट रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हम इस पे बाकी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओ एम दैट इज इक्वल टू एक्स, इट इज द रियल पार्ट, एंड ए एम दैट इक्वल्स वाई दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, सो रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई एज वेल। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर दैट इज अ distance of a complex number from the origin, this is the point, this is the distance, this is OA. Now OA square is equal to OM square, this distance, and AM, or in other words MA square. After being application of this complex number, this Pythagoras theorem, hum ye dekhte hain ki OA will be equal to x square plus y square. So this is x square plus y square, और हमने ये देखा कि this represents the modulus of x plus iota y. Modulus is basically called the distance of a point from the origin. So किसी भी complex number का जो आप Argand diagram पे point करें या प्लेस कर दें, उसका अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस देखें सो दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज मॉडुलस। और वो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोग उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लें, एंड आफ्टर एडिंग बोथ स्क्वायर्स इफ वी टेक द अंडर रूट सो दैट विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द ओरिजिन। अब हमने ये देखना है कि हमने मॉडुलस तो कैलकुलेट कर लिया, या इन अदर वर्ड्स उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने मॉडुलस कैलकुलेट करना हो तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टू पैरेलल लाइंस ड्रॉन वर्टिकली अलोंग द ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि जी bars, two parallel lines, this represents the modulus value. So z and x plus iota y and these two lines, these are representing
its modulus value. अब हम numerically चेक करते हैं, एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करते हैं कि हमने अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है -5i. सो बेसिकली इसमें रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता. सो हम अगर इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें फ्रॉम ओरिजिन, सो दिस विल बी 0² प्लस -5 का स्क्वेयर. सो दिस विल बी 5. सो बेसिकली अगर हम इसको इस ग्राफ पे प्लॉट करें तो लेट्स से दिस विल बी अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग -5. सो इसका ओरिजिन से जो आपके पास डिस्टेंस होगा दैट विल बी 5 यूनिट्स. सो 0² प्लस -5 स्क्वेयर दैट विल बी 5. सो डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी.